Hi everybody, welcome back. I'm Disha and I'm here to help you transform your house into a home. So in my previous video, more than my home office, you all loved my wings. आप सभी ने रिक्वेस्ट की कि मैं उसका ट्यूटोरियल शेयर करूं. प्रोसेस तो मैंने पूरी फिल्म की हुई थी, काम था सिर्फ एडिटिंग का, तो मैंने फटाफट एडिट किया वीडियो और ये रहा आपके लिए ट्यूटोरियल. Draw my outline starting from the head till the elbow. That's what he drew. So I drew it again. तो अब थोड़ा सा मुझे आइडिया हो गया है कि मेरे विंग्स मैं कहाँ पर ड्रॉ करूँगी. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका एग्जिट सेंटर. तो यहाँ मैंने प्लान किया है एक स्पेस होगी हार्ट शेप में, एंड देन यहाँ पर होंगे विंग्स. तो वो मुझे शोल्डर से निकलते हुए दिखाना है, तो मैं जाऊंगी ऐसे. सिर्फ हाफ पोर्शन में ड्रॉ करूंगी. ऑल राइट, तो विंग मैंने एक तरफ का जो है वो ड्रॉ कर लिया है. अब इसी को मैं एक ट्रांसपेरेंट शीट पर या प्लास्टिक शीट पर ट्रेस करूंगी. सो दिस इज़ द प्लास्टिक और यहाँ पर मैंने इसे मास्किंग टेप से फिक्स कर दिया है. एंड नाउ आई एम गोना ट्रेस इट और उसके बाद इसे कार्डबोर्ड पर ट्रेस करके और कटआउट बनाएंगे. ये हो गया है ट्रेस. अब ये जो एक विंग है इसके ऊपर मैं दो लेयर्स और बनाऊंगी कार्डबोर्ड की, जिसमें फेदर्स बनाऊंगी. एक्चुअली पूरा विंग जो है वो थ्री डायमेंशनल बनाने की कोशिश है मेरी, तो उसकी वजह से मैं डिफरेंट लेयर्स रख रही हूँ. ये फर्स्ट लेयर होगी, ये सेकंड लेयर होगी और ये थर्ड लेयर होगी. तो अब मैं फेदर्स पहले ड्रॉ कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बताऊँगी. जो विंग है इसकी फर्स्ट लेयर तो कंप्लीट हो गई है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड लेयर. तो सेकंड और थर्ड दोनों लेयर्स मैंने ड्रॉ कर ली हैं. अब ये जो विंग्स का कटआउट निकालने के बाद कार्डबोर्ड बचा था, उसी का मैंने ये कॉर्नर वाला जो पार्ट है वो यहाँ प्लेस कर दिया. और मास्किंग टेप बहुत हेल्पफुल है, उसकी वजह से ये बिल्कुल स्टेबल रहने वाला है और मैं आसानी से ट्रेस कर सकती हूँ. तो ये हो गया है ट्रेस और इसको जब मैं काट लूँगी उसके बाद इसी को मैं फ्लिप करके वहाँ से भी एक कटआउट निकालूंगी जो कि इसकी मिरर इमेज होगी. ये है फर्स्ट लेयर विंग की, इसके बाद होगी ये वाली लेयर और इसके बाद होगी ये वाली लेयर. तो इस तरह से हमें तीन कटआउट्स एक ही विंग के लिए बनाने पड़ेंगे और ठीक इसी की मिरर इमेज हम दूसरे विंग के लिए बनाएंगे. के तो मैंने फेदर्स काट लिए हैं, यहाँ पर मुझे फेदर्स ड्रॉ करने हैं और फिर उन्हें भी मैं ऐसे ही कटआउट तैयार करूँगी, ऐसा ही पैटर्न होगा और फिर उसके बाद इन सबको स्टिक कर देंगे. सारे पीसेस रेडी हो गए हैं, अब इन्हें बस स्टिक करने का काम करना है. सो लेट्स बिगिन. टडा, सो इट्स रेडी. अब मैं क्या करने वाली हूँ, ये जो पुट्टी है इसमें वाइट ग्लू और वाटर का सॉल्यूशन मिलाकर पेस्ट बनाऊंगी और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे. पाइपिंग बैग बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक बस पॉली बैग लीजिए और पॉली बैग को ही हम पाइपिंग बैग की तरह यूज़ करेंगे. इसमें सीधे फिल कर लेंगे ये पेस्ट और फिर इसकी ओपनिंग को रबर से बंद कर देंगे. दैट्स इट. यहाँ से हमें इसको थोड़ा सा काटना है. पाइपिंग बैग रेडी है, ये बिल्कुल राइट थिकनेस है, जैसी मुझे चाहिए थी ये बिल्कुल वही है. अब इसे बनाना शुरू करते हैं.
एक विंग जो है वो टिश्यू पेपर से पूरा कवर हो चुका है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड देन वंस दे आर ड्राइड आई एम गोना पेंट देम. Right, wings are ready and now I'm gonna paint it gold. So I'm using this double-sided tape to fix the wings on the wall. तो अपने ही घर पे आप विंग सेल्फी पॉइंट बनाइए और पिक्चर्स मेरे साथ शेयर करिए. मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ये और फेसबुक आईडी है ये. आज के लिए सिर्फ इतना ही. मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए विश यू ऑल लव लक एंड सनशाइन. बाय बाय.